हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मैं आशु पारीक एक बार फिर आपका योगा हॉलेज यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं यंगस्टर्स के लिए, जवान लोगों के लिए, अपनी आर्म्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज और योगासन लेके आया हूँ, जिन्हें करने से आपके आर्म्स मजबूत होंगे, सुडौल होंगे और बल्कि होंगे, मोटे हो जाएंगे। दोस्तों, आपको हर रोज इन योगासनों को करना है, मेरे साथ करना है। अपनी आर्म्स का कमजोर होना अच्छी डाइट नहीं लेने पे डिपेंड करता है, एक्सरसाइज नहीं करने पे डिपेंड करता है और कुछ वंशांगत कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपकी आर्म्स छोटी और कमजोर हो गई है। दोस्तों, आज हम कुछ असरकारी योगासन करेंगे जिन्हें करने से आपकी आर्म्स पे स्ट्रेच पड़ेगा, उन पे फोर्स बढ़ता है, उनकी एक्सरसाइज होती है और आपकी आर्म्स मजबूत और हेल्दी हो जाएंगे। दोस्तों, अपनी आर्म्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम कुछ योगासन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम हमारी आर्म्स की स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, उनको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, तो आप मेरे साथ रिलैक्स होके कमर को सीधी करके, कंधों को ढीला छोड़ के आराम से बैठ जाएं, अपने मन को शांत रखें, सभी विचारों को, सभी चिंताओं को हटा दें और हम आने वाले 5 मिनट सिर्फ अपने आप को देना है, अपनी आर्म्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए देना है। दोस्तों, मन को शांत रखते हुए अब हम अपनी हाथों की स्ट्रेचिंग स्टार्ट करते हैं। अपने हाथों को इस तरह से नीचे की तरफ फेस करते हुए रखना है और हाथों को नीचे की तरफ फोर्स करना है। दोस्तों, जिससे आपके हाथों में स्ट्रेचिंग होगी और हाथों का वार्म अप हो जाएगा। दोस्तों, हाथों का वार्म अप हो जाएगा। अब इसको ऊपर की तरफ रखते हुए, ऊपर की तरफ फोर्स करते हुए, ऊपर की तरफ शेक करना है, हल्के हल्के करना है, आपके कंधों पे, आपके कोहनी पे और आपकी आर्म्स पे लचीलापन आता है। इसको कुछ देर 15-15 सेकंड करने के बाद अब हम रिलैक्स होकर अपने हाथों को नीचे रख लेते हैं। 1-2 सेकंड वेट करते हैं अपने हाथों को नॉर्मल होने के लिए। उसके बाद अपने हाथों को मोड़ते हुए इस तरह से रखना है और हाथों को अंदर की तरफ दबाना है, जैसे आप किसी बॉक्स को दबा रहे हो। दोस्तों, इससे आपके शोल्डर्स पे स्ट्रेच पड़ता है, आपकी कोहनियां ओपन होती है और आपकी आर्म्स स्ट्रेच होती है, वार्म अप हो जाती है। दोस्तों, अब इसको रिवर्स करके हाथों को बाहर की तरफ फोर्स करना है, जैसे आप किसी बॉक्स को बाहर की तरफ ओपन कर प्रेस कर रहे हो। दोस्तों, फिर इसके बाद कुछ देर रिलैक्स करना है, 2-5 सेकंड मन को शांत रखना है और अब अपने हाथों को आगे की तरफ इस तरह से करते हुए अपने शोल्डर पे टच करना है, आराम आराम से करना है, फिर अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाते हुए तेजी से करना है, 10-15 सेकंड तक करना है। मेरे मेरे साथ करें और रिलैक्स होके करें। फिर इसके बाद अपने कंधों को इस तरह से खोल लेना है, रिलैक्स होके करना है, आराम से करना है, सांसों को लेते रहना है, मन को शांत रखना है। फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में कर लेते हैं, इससे आपके शोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। अब दोस्तों, एक आखिरी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, फिर योगासनों को स्टार्ट करेंगे। अपने हाथों को इस तरह से मरोड़ते हुए, कमर को सीधा रखते हुए, कंधों को रिलैक्स रखते हुए हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है, गर्दन को सीधा रखना है और इससे आपके कंधे ओपन हो जाएंगे। आप इसको फोर्स करते हुए ऊपर की तरफ इस तरह से लाएं, अपने शरीर को नीचे की तरफ झुकाएं और अपने सर को जमीन में टच करें। दोस्तों, हाथों को बिल्कुल ऊपर जितना हो सके उतना ले जाएं, मन को शांत रखें और रिलैक्स होके आराम से कुछ देर बैठ जाएं। दोस्तों, अब हम अपने आर्म्स को मजबूत, सुडौल और हेल्दी बनाने के लिए कुछ असरकारी योगासन करेंगे। तो सबसे पहले हम पर्वतासन करेंगे, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज करेंगे, जिसे करने से हमारा पूरा शरीर हेल्दी स्ट्रांग होता है और हमारी आर्म्स मजबूत होती हैं। दोस्तों, इसे करने के लिए अपने शोल्डर के बराबर अपने हाथों को खोल लेना है, अपने पैरों का, अपने लोअर पार्ट बॉडी का वजन अपने पंजों पे रखना है, सांस बाहर छोड़ते हुए अपने शरीर को इस तरह से पर्वत की शेप में बनाना है, पीछे की तरफ लेके जाना है। दोस्तों, और अपने शरीर को अपने हाथों पे जितना हो सके बैलेंस करना है। इसके बाद अब हमें दूसरा योगासन कोबरा पोज करना है। इसके लिए आराम से सांस अंदर भरते हुए, अपनी बॉडी को आर्म्स में बैलेंस करते हुए इस तरह से ऊपर की तरफ लेके जाना है, इससे आपकी हाथों पे फोर्स पड़ता है, आपका शरीर सुडौल होता है और आपकी आर्म्स मजबूत होती हैं। दोस्तों, फिर सांस बाहर छोड़ते हुए अपने बॉडी को पीछे की तरफ ले जाना है,
अपने अपर बॉडी का फोर्थ वजन हाथों पे रहेगा जिससे हाथ सुडौल होते हैं, लोअर बॉडी का वजन अपने पंजों पे रहता है जिससे हिप्स और आपके पैर सुडौल होते हैं, हेल्दी होते हैं, मजबूत होते हैं। फिर सांस अंदर भरते हुए निस्तार से वापिस आना है, 5 सेकंड तक रोके रखना है। आप देख पा रहे होंगे कि आपके हाथों पे पूरा बॉडी का वजन है तो आपके हाथ स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर पीछे जाते हुए इस तरह से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में फिर से अपनी बॉडी को बैलेंस करना है, इससे आपके मसल्स मजबूत होते हैं और आपका बॉडी स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी आर्म्स स्ट्रॉन्ग होती है। फिर कुछ देर रिलैक्स करना है और अपने बॉडी को रिलैक्स होने देना है, मन को शांत रखें और रिलैक्स होके हल्के हल्के 2-4 सांसें आपको लेने हैं। उसके बाद अपने मन को शांत हो जाने के बाद अब हम तीसरा योगासन करते हैं जिसे हम प्लैंक कहते हैं, सिंपल प्लैंक कहते हैं। इसे करने के लिए अपने बॉडी को अपने आर्म्स के चेस्ट के बराबर खोल लें, अपने शरीर को इस तरह से प्लैंक पोजीशन में रखें और कुछ देर इसी पोजीशन में अपने हाथ शरीर को रोक के रखें, कम से कम 30 सेकंड तक रोक के रखें, अपने मन को शांत रखें। इससे आपके आर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपका पूरा शरीर सीधा रहेगा, आपका वजन आपके आर्म्स पे रहेगा। फिर आप अपने एक आर्म्स को हटाते हुए अपने शोल्डर पे रख लें और 10-15 सेकंड अपने शरीर को इसी तरह से बैलेंस करें। आपके हाथों में वाइब्रेशंस होंगे, आपका शरीर मजबूत होगा, आपके हाथ मजबूत होंगे। फिर दूसरे हाथ पे अपने शरीर को रोके रखना है और अपने शरीर को बैलेंस करना है। आपकी आर्म्स मजबूत होती हैं और सुडौल होती हैं दोस्तों, ये आपके आर्म्स के लिए बहुत ही अच्छा योगासन है। फिर इसी तरह से बदल बदल के दोनों हाथों से बार बार करना है, 10-10 सेकंड तक अपने शरीर को रोके रखना है। आपका पूरा शरीर टोन होता है, पूरे शरीर में फैट गायब हो जाती है, आपके हाथ स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, सुडौल होते हैं, बल्की होते हैं, हेल्दी होते हैं दोस्तों। फिर आपको कुछ देर रिलैक्स करना है, हल्की हल्की सांसें लेनी है, मन को शांत रखना है। अब हम कुछ देर अपने बॉडी को कूल डाउन होने देते हैं और हल्के हल्के सांस लेते रहते हैं, मन को शांत रखेंगे, सभी विचारों को हटा देंगे और रिलैक्स होके अब हम अगला योगासन करेंगे जिसे हम साइड प्लैंक कहते हैं। अपने शरीर को इस तरह से बैलेंस करें, जब आपका शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाता है तो अपने एक हाथ पे अपनी बॉडी को बैलेंस करते हुए इस तरह से बैलेंस करना है और अपने शरीर को ऊपर की तरफ ले जाना है। फिर इसी पोजीशन को कुछ देर बैलेंस करते हुए अब हम दूसरी साइड कर लेते हैं। इसको करने से हमारे शरीर में बैलेंस आता है, हमारे आर्म्स मजबूत होते हैं और हमारे शरीर की फैट गायब होती है दोस्तों। ये बहुत ही असरकारी एक्सरसाइज है, इसे करने से हमारी आर्म्स मजबूत होती है, शरीर सुडौल होता है और पूरे शरीर में एनर्जी आ जाती है दोस्तों। अब हम सबसे असरकारी और 5वां योगासन करते हैं जिसे हम चक्रासन कहते हैं दोस्तों। चक्रासन करना इतना आसान नहीं है, आपको आराम से इसको करना है, मन को शांत रखना है और मेरे साथ जैसा मैं बताऊं वैसा आपको करना है दोस्तों। अपने शरीर को आराम से पीठ के बल निकाले, मन को शांत रखें, जब अपने विचारों को हटा दें, हल्का हल्का सांस लेते रहें, शरीर को रिलैक्स होने दें। अपने हाथों को इस तरह से अपने शोल्डर के पास लेके आए, अपने पैरों को अपने हिप्स के पास लेके आए, मन को शांत रखते हुए गहरा सांस भरते हुए अपने पहले लोअर पार्ट को उठाना है, फिर अपने चेस्ट के पार्ट को उठाना है और अपने शरीर को बैलेंस रखना है। इससे आपके हाथों में स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपके पैरों में स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी कमर में स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपका शरीर हेल्दी हो जाता है। धीरे से सांस बाहर छोड़ते हुए अपने अपर पार्ट को लेके आना है और फिर लोअर पार्ट को लेके आना है दोस्तों। कुछ देर रिलैक्स करना है, अपनी सांसों को रिलैक्स होने दें और उसके बाद जब आपको लगे कि आपका शरीर रिलैक्स हो गया है तो अब हम 6ठा योगासन करते हैं जिसे हम डायमंड डिप्स कहते हैं दोस्तों। डायमंड डिप्स बहुत ही असरकारी है, इसे करने से आपकी ट्राइसेप्स अच्छी बन जाती है, सुडोर हो जाती है और आपकी आर्म्स मजबूत होती है दोस्तों। आप इस तरह से डायमंड का शेप बनाते हुए
अपने सेंटर चेस्ट पे रखें, अपने पैरों को पीछे की तरफ ले जाते हुए चेस्ट के बराबर खोलें और आराम से सांस बाहर छोड़ते हुए या फिर हल्के हल्के सांस लेते हुए आराम से सीधे सीधे नीचे जाना है और सीधे सीधे ऊपर आना है। एक बार में जितना हो उतना करें, रिलैक्स होके करें, शांत होके करें। इससे आपकी ट्राइसेप्स हेल्दी होती है, आर्म सुडौल होती है, मजबूत होती है और आपकी आर्म्स हेल्दी हो जाती है। दोस्तों रिलैक्स होके कुछ देर आराम से बैठ जाएं, अपने कमर को सीधी रखें, कंधों को रिलैक्स छोड़े, मन को शांत रखें और अपनी सांसों पे ध्यान दें। आराम से अपनी सांसों को आने दें और सांसों को जाने दें, अपनी बॉडी को रिलैक्स होने दें, मन को शांत होने दें। अपने बाइसेप्स और आर्म्स में जो स्पंदन और वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसको महसूस करें, ब्लड सर्कुलेशन को महसूस करें और आनंदित होते अपने होते हुए अपनी बाइसेप को हेल्दी होते हुए देखें। दोस्तों आज हमने हमारी आर्म्स को हेल्दी, मजबूत और सुडौल बनाने के लिए कुछ योगासन किए हैं। मैं आशा करता हूँ ये योगासन आपको अच्छे लगे होंगे। आप अपने कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको ये वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा, आपको क्या अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, बहुत अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।